आजमगढ़ के देवरांचल में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। जिस तरह नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उसे देखकर लोगों के अंदर भय साफ दिखाई दे रहा है। वहीं जिला प्रशासन संकट की इस घड़ी में बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। जिला अधिकारी राजेश कुमार ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली है। डीएम ने अधिकारियों को हर संभव मदद के लिए हर समय उपलब्ध रहने का दिशा निर्देश दिए हैं। देवरा पहुंचे डीएम ने कहा कि स्वच्छ पानी और सेड की व्यवस्था की जा रही है। हर साल 16 आश्रय स्थल बनाए जाते थे, इस साल 100 आश्रय स्थल की व्यवस्था की जा रही है और 60 स्थानों को चिन्हित भी किया जा चुका है। पानी, स्वच्छ पानी पीने की और शेड पे रहने की व्यवस्था हो। इसके अलावा आश्रय स्थल पिछली बार हर साल 16 बनते थे, इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि 100 के आसपास हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 60 हम चिन्हित कर चुके हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आवश्यक है। तो करीब 60 से 100 के बीच में हम आश्रय स्थल बनाएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और उनको रहने की व्यवस्था मिल सके। ऑलरेडी खाद्यान्न जो पैकेट्स होता है उसके टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, जो कि हमारा 11 और 13 तारीख को खुल रहा है, तो वो व्यवस्था भी सुनिश्चित है। पहली बार अब तक यहाँ पे कभी भी कोई बड़ी नाव नहीं थी, पहली बार सरकारी बड़ी नाव हमने बनाई है, जो कि 8 बन के तैयार हो गई हैं, कि अगर ज़्यादा बाढ़ आती है तो बड़ी नाव सुरक्षित रहती है, तो आवागमन के लिए वो यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा करीब हमारी 200 के आसपास नाव गाँव में यहाँ पे सब में है, जिनको ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है। 2 गांव हमारे यहाँ जहाँ पे थोड़ा पानी लगा है उसमें आवागमन के लिए 2 नाव ऑलरेडी लगा दी गई हैं, तो व्यवस्थाएँ पूरी हैं। बाढ़ चौकियाँ हमारी 10 सक्रिय हो चुकी हैं, वही हम देखते हुए आ रहे थे। उसमें उपकरण सारे अवेलेबल है, सभी विभाग के जो अधिकारी होने चाहिए, लेखपाल, कानून गो, उसके अलावा राजस्व के अधिकारी हो गए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, ग्राम विकास के अधिकारी और अन्य बिजली विभाग के भी जो अधिकारी हैं, क्योंकि जहाँ से जैसे बाढ़ आती है तो बिजली काटनी पड़ती है कई जगह पे, जैसे करंट ना लगे, तो पॉइंट्स भी निर्धारित कर लिए गए हैं, उनकी ड्यूटीज़ भी लगा दी गई, तो ऐसे सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। वही हम चेक करने आज आए थे, तो व्यवस्थाएँ मिली हैं। कुछ और सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि रिपोर्टिंग प्रॉपरली आ सके और सभी लोग सक्रिय रहे, वो निर्देश भी दिए गए हैं, तो हम पूरी तैयारी से हैं। आपको बता दें कि इस बार सरकारी 8 बड़ी नाव बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिनका जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही 10 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इन चौकियों में सारे उपकरण उपलब्ध हैं और सभी विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है, ताकि आने वाले दिनों में जनता को कोई परेशानी न हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से प्रीतेश्वर कुमार की रिपोर्ट।